या 3.0 रोबोट्स हमें रोबोट की अगली इंस्टॉलमेंट में देखने को मिलेंगे। कौन होगा 3.0 का दुश्मन इस मूवी में? दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आ चुकी फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म के बारे में बात करेंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आपका एक बार फिर से और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म फ्रेंचाइजी के बारे में जो कि नॉर्थ इंडिया में भी काफी पॉपुलर है और यूएस की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर शंकर द्वारा तैयार की गई मूवी रोबोट फ्रेंचाइजी के बारे में। रोबोट 2.0 एक बहुत ही शानदार और ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी और दोस्तों, सभी फैंस की नजर है रोबोट 3.0 के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टर शंकर ने भी मूवी के सीक्वल में अपनी रुचि दिखाई है मूवी मेकिंग में। रोबोट 3.0 में मूवी के प्रीक्वल यानी कि 2.0 में ही हमें देखने को मिली थी चिट्टी के रीबूट वर्जन, वो भी रोबोट्स नहीं बल्कि दोस्तों बॉल की एक मोबाइल फोन जितने साइज की मिनी माइक्रोबोट्स, जिनमें रजनीकांत का पूरा स्वाग और कूलनेस भरी पड़ी थी। दोस्तों, मिनी रोबोट्स बहुत ही ज्यादा स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग रोबोट्स थे और उनका तो नाम भी दोस्तों 3.0 था। और वहीं रोबोट्स मूवी की थर्ड इंस्टॉलमेंट के लीड कैरेक्टर होने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, अब रोबोट 2.0 में हमने देखा कि वो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर पक्षी राजा को हरा देते हैं, लेकिन असली खतरा तो अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि दोस्तों रोबोट मूवी में हमने देखा था कि चिट्टी का नेगेटिव वर्जन खुद को दुनिया पे राज करता देखना चाहता था और 2.0 मूवी में नीला ह्यूमनॉइड ने उसे दोबारा पक्षी राज को हराने के लिए जिंदा कर दिया था। पक्षी राजा तो मर गए, लेकिन नेगेटिव चिट्टी का सामना करना अभी भी बाकी है, क्योंकि पक्षी राज को मारने का असली मकसद यही था कि पक्षी राज 2.0 वर्जन का एक काफी टफ कॉम्पिटिशन था और अगर उसे दुनिया पे राज करना है तो उससे पक्षी राज को हराना जरूरी था। और दोस्तों बता दूं कि उसने माइक्रोबोट्स और नीला के साथ मिलकर पक्षी राजा को हरा दिया और प्रेजेंटली उससे स्ट्रॉन्ग कोई भी मौजूद नहीं है, जिस वजह से वो खुद को ही लीडर मानेगा। लेकिन अब 2.0 के सभी ईविल प्लान्स को फ्लॉप करेगा हमारा खास 3.0, वो भी नीला के साथ मिलकर, जिसे दोस्तों देखने में काफी मजा आने वाला है। अब रजनीकांत एक बार फिर से अपने वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर चिट्टी के रूप में नजर आएंगे। तो दोस्तों, अब आपके इस मूवी के बारे में और इस मूवी के कंसेप्ट के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए खत्म करते हैं आज का ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनने का कुछ अनसुना। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी अपकमिंग वीडियोस को। हमारे आज के राइटर हैं अभिषेक मिक्की।